मैं तो इसको गर्म कर रही हूँ, पता नहीं ये ना हलवा से हो गए हैं क्या कमी। मेरे बाबू को ना फिर से बुखार चढ़ गया है तेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और हेलो, यहाँ करती हूँ देखती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। तो सुबह मैंने राजमा बनाए थे जो कि बच गए हैं थोड़े से, पर मैं अभी ना पत्ता गोभी बनाई है मैंने, इसमें मटर डाल के इसको हम ढक देंगे। अभी बज रहे हैं घर में 5:30 और मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, आपको पता है, क्योंकि ना बहुत लेट हो जाता है मेरा, पूजा करने का भी टाइम हो जाता है क्योंकि अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है। और 5:30 हो गए, घड़ी में बज रहे हैं 5:30। मैं पूजा इसलिए जल्दी कर देती हूँ क्योंकि छत पे जाने में मुझे लगता है डर, और ना अंधेरा होते मुझे मैं जोत जलाने में भी डर जाती हूँ। अब फिर मैं सोचती भी हूँ कि भगवान के पास बैठी हूँ डरूँ नहीं, पर पता नहीं क्या होता है कि मैं डरती रहती हूँ। इन्होंने देखो अपनी फोटो कैसे लगा रखी है अलमारी पे, और मेरा बाबू इसे देख के कहेगा मम्मा, पापा को मम्मा बताएगा। तो मेरा तो अभी 5:30 बजे से शूट करना स्टार्ट हुआ है क्योंकि सुबह ना मेरे बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको पता है कि उसे नमोनिया हो गया है, और कल रात को वो सोया होगा करीब 2 बजे। बाबू क्या कर रहा है? बाबू क्या कर रहे हो तुम, ऐसी हरकतें क्यों करते हो? इनको अकेला छोड़ना ना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी करने लगते हैं ये लोग। तो मैंने ये नीचे बिछा दिया है ताकि ये ना, वैसे तो मोजे वगैरह पहना रखे हैं वो, ये जितना ध्यान रखो ना उतना ज्यादा परेशान हो जाते। किसी ने कहा कि ज्यादा ध्यान नहीं रखते बच्चों का, ज्यादा ध्यान रखती हूँ ना तो इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं। तीनों को ही मैं ज्यादा सोच के रखती हूँ, तीनों ही मेरे ऐसे है। डमरू से डमरू को ऊपर दिखाओ। बाबू सर सर तो नहीं बोल रहा बिट्टू अभी भी इसका छाती? अरे बाप रे। ये आज 3 बजे ट्यूशन गए थे और मैंने ना घर बिल्कुल साफ कर दिया था, आते ही इन्होंने ऐसा धमाल मचा दिया। क्या करा है बच्चों, वहाँ क्या गिराया टेबल पे? पूरा टेबल पे क्या चीज गिराई है इन्होंने, पता नहीं पूरा टेबल गंदा कर रखा है। ये क्या गिराया है? अच्छा ओयस जो खाया ना इन्होंने। चलो ठीक है छोड़ो बाबू, से कुछ और खिला लो। अब वही क्या लगे देखो, मैं तो जाऊंगी आटा गूंदने। तो अब मैं बस ना रोटी बनाऊंगी सब्जी के साथ और मेरा खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद करूंगी पूजा। या सोच रही हूँ अंधेरा होने से पहले पूजा ही कर रहा हूँ, बाद में रोटी बनाती हूँ वरना फिर डर जाऊंगी ऊपर। तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है और यहाँ लग रहा है मुझे मट्टी सी लग रही है, शायद मैं ऊपर जाके पूजा करती हूँ ना इसी वजह से, माथा टेकती हूँ जमीन पे तो हो जाती है। मेरा फोन बज रहा है, देखो कौन कर रहा है, मुझसे यही पूछ रहे होंगे राघव की तबीयत कैसी है, पर अभी उतनी ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने किचन का काम तो खत्म कर दिया है, और ये ना गुलाब जामुन आपको पता होगा मैंने 3-4 दिन पहले बनाए थे, उनकी हालत कैसी हो गई। मैं तो इसको गर्म कर रही हूँ, पता नहीं ये ना हलवा से हो गए हैं क्या कमी रह गई मुझे ही नहीं पता। इसमें मैंने मावा भी मिला लिया, इन्हें तल भी लिया, और देखना इन्होंने तो अपना रंग ही छोड़ दिया है। अब ये गर्म हो गए, इसको खाऊं थोड़ा मैं। तो हलवाई भी पता नहीं कैसे गर्म करते होंगे, देखूं को ये है थोड़ा काला सा बचा हुआ है इसमें ना, थोड़ा इसकी शक्ल अच्छी है तो ये ले लेते हैं हम साईं बाबा को खिला के, ये खुद थोड़ा सा खा लेंगे। जय हो भगवान जी, अजीब ही हो गए ये। तो ये मैं खा के देख रही हूँ कैसे, उस दिन तो अजीब ही लग रहे थे। ये खाएगा बाबू तू? ठीक ही लग रहे हैं, बुरे नहीं लग रहे। देख तू खा के देख कैसे लग रहे हैं, अच्छा सही बताइए। रसगुल्ले जैसे ही लग रहे हैं वैसे तो टेस्ट में, पर ये वो घुल से गए ना, अब ना पेट भरा हो तो कोई चीज स्वाद नहीं लगती। पेट खाली हो, पर मेरा पेट तो खाली नहीं है, मैंने अभी खाना खाया। देख कैसे लग रहा है, सही बता, सही लग रहे? चल सही लग रहे हैं। मेरे बाबू को ना फिर से बुखार चढ़ गया है तेज, पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने फिर डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा इसे। अभी 7:30 हो रहे हैं शाम के, और कल से ना इसको 3-4 बार दिन में चढ़ रहा है बुखार, इसके नमोनिया की वजह से चढ़ रहा है। एक तो डर भी लगता है क्योंकि बुखार भी आना सही नहीं रहता ना, फिर बच्चों को टेस्ट कराने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, छोटे छोटे तो हाथ हैं इनके, उसमें ब्लड लेना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि मैंने राघवी का कराया था एक बार तो बच्चों का ब्लड भी बहुत कम निकलता है। तो अभी भी सुलाया मैंने इसको,
और अभी भी 100 से 101 से ऊपर बुखार है इसे। दोबारा दवाई दी है मैंने, बस बच्चे ठीक हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ भगवान जल्दी ठीक हो जाए। कितना तेज बुखार अभी भी हो रहा है इसको। तो ये ब्लॉग तो मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। कल अपडेट देती हूँ और मिलते हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। बाय।